नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार इस वक्त बाढ़ की वजह से कई सारी परेशानियों का सामना कर रहा है। बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक बाढ़ की वजह से जल जमाव इतना ज़्यादा है कि लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घर के बाहर के जो रास्ते हैं उनमें इस तरीके से पानी है कि अगर पैर रखने के लिए इंसान जाए तो डूब जाएगा, और यातायात के लिए लोगों को नाव का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे इलाकों से शहरों की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन कई लोगों के लिए अपना घर बार छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करना इस वक्त मुमकिन नहीं है, और ऐसे लोग बाढ़ की वजह से काफ़ी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही बिहार के बेतिया में भी हो रहा है, जहां 20 गांव ऐसे हैं जो पानी में इस तरीके से डूब चुके हैं कि लोगों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना अब मानो एक सपने जैसा लगने लगा है। लोग इतनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं कि अब आम जिंदगी के लिए भगवान से हर रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं। बेतिया जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से बाढ़ ने तबाही मचा दी है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया पानी बेतिया जिले के नौतन प्रखंड के कई पंचायतों में घुस चुका है। करीबन 20 गांव ऐसे हैं जो टापू बन गए हैं। नौतन प्रखंड के शिवराजपुर पंचायत के छरकी टोला के करीब 500 लोग गाँव में ही फंसे हुए हैं। सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी ज्यादा समस्याएं हो रही है। निजी नाव वाले ज्यादा पैसे की मांग करते हैं जो ग्रामीण देने में असमर्थ है। बीमार बच्चों के इलाज के लिए लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बाढ़ पीड़ित तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। प्लास्टिक तिरपाल डालकर अपने बच्चों को लेकर तटबंध पर मौजूद हैं। पीड़ितों का कहना है कि उनके घरों में बाढ़ का पानी घुस आया है और घर में रखा जो अनाज है वो भी पूरे तरीके से नष्ट हो चुका है। पीड़ितों के अनुसार खाने के लिए ना तो भोजन है और ना ही रहने के लिए छत का इंतजाम है। बच्चों की तबीयत खराब हो रही है और गांव में इलाज के लिए फिलहाल कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं है और इसीलिए बच्चों को इलाज के लिए गांव से बाहर लेकर जाना मुश्किल नजर आ रहा है। प्राइवेट नाव वाले काफी ज्यादा पैसों की मांग कर रहे हैं, जो कि लोगों के लिए देना मुश्किल हो रहा है। बताते चले कि बाढ़ की वजह से इस बार बिहार पहले ही कई परेशानियों का सामना कर चुका है, लेकिन इस वक्त बेतिया में जो स्थिति है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि 20 गांव वहां पर ऐसे हैं जो टापू में बाढ़ के पानी की वजह से तब्दील हो चुके हैं, और वहां के जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए अस्पताल तक जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकारी नाव जो है वो वहां पर नहीं चलाई जा रही, और जो प्राइवेट नाव वाले लोग हैं वो भी इस तरीके से पैसे मांग रहे हैं जो रकम अदा करना गाँव वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। घरों में पानी भरने की वजह से समस्याएँ इस हद तक बढ़ चुकी है कि घर में रखा अनाज पानी की वजह से खराब हो चुका है, और साथ ही साथ अब लोगों के पास रहने के लिए अपनी छत भी नहीं है। ऐसे में सरकारी नाव की व्यवस्था भी ना होने की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और सरकार से लगातार मदद की अपील कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, ताकि वो अपने बीमार बच्चों को अस्पताल तक ले जाएं और समय रहते उनके बच्चों का सही तरीके से इलाज हो जाए। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से बेतिया की स्थिति है वहां पर सरकार की मदद जो है वो कब पहुंचती है। ऐसी यानी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।